नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं कवरेज स्मार्ट आर्ट। आज एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका एक राजनीतिक, सामाजिक और साथ में शिक्षा में एक अहम योगदान रहा। अक्सर हमेशा संघ पे आरोप लगता रहा, संघ वही आरएसएस, कि आरएसएस ऐसा है वैसा है, लेकिन उसी आरएसएस परिवार से निकलकर आज अमेठी में एक नई ख्याति बना चुके हैं और ऐसे शिक्षा में और स्पोर्ट में एक ऐसी इबारत लिखते जा रहे हैं कि क्षेत्र में आजकल चर्चा हो रही है। ऐसे शख्सियत हमारे साथ आज है राघवेंद्र सिंह सरकार। सरकार लोग प्यार से कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। नमस्कार। आगे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र जी। आगे बात को बढ़ाते हैं, अगर बात की जाए तो आपने शायद एक इंटरव्यू में बात नहीं की जा सकती, आपने इतने काम कर चुके हैं, लोगों में चर्चा है, लेकिन मैं तभी ले चलता हूँ अपने दर्शकों को आपके बीते हुए बचपन की तरफ। मैं और भी चीजें में बात करूंगा, तो आप तैयार? जी जी। अच्छा, अगर बात की जाए बचपन के बारे में, तो बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बहुत ही अच्छा रहा हमारा। अच्छा। और गांव में जन्म हुआ और गांव की जो परंपरा है, गांव की जो पद्धति है, उससे बिल्कुल लोगों के साथ रह करके और गांव का जैसे आनंद होना चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हुआ और उस आनंद में भी तमाम चीजों को सीखने को मिला। और एक तो आज जो लोग सोचते हैं कि गांव, तो वास्तव में अगर किसी को संस्कार युक्त बनाना है तो आप गांव में छोड़ दीजिए, अपने आप उसका सारा संस्कार उसकी उम्र के हिसाब से वो अपने आप ढलता जाएगा और सीखता जाएगा। बड़ा ही अच्छा रहा हमारा बचपन। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए, क्योंकि अमेठी तो वीआईपी था, लेकिन मैंने सुना है कि गिने चुने जो विद्यालय होते थे ना, तो कैसा प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही था? हमारी तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई, क्लास फर्स्ट से लेकर के और फिफ्थ तक हमने गांव की प्राइमरी विद्यालय में ही पढ़ा और पढ़ाई करते समय ही हम कुश्ती और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा, आपका खेल में भी रुचि है? बहुत शुरू से ही रहा, बचपन से रहा। बचपन से रहा, क्योंकि बाबा जी हमारे वो आर्मी में थे। अच्छा। और आर्मी में भी वो विश्व स्तर के बॉक्सर थे, खिलाड़ी थे, तो इस नाते से खेल का जो संबंध है वो कई पीढ़ियों से डीएनए में रहा आपके परिवार से। रुचि सिंह जी भी आते हैं, राज सिंह जी आते हैं। हाँ, बाकी आप जानते ही हैं कि बहन है तो रुचि सिंह भारत की प्रथम यूथ ओलंपियन है, छोटा चाचा का लड़का है, भाई है तो भी इंटरनेशनल शूटर है, भतीजा है युवराज सिंह तो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी। मतलब एक अच्छा माहौल शुरू से मिलता है, अच्छी बात है क्षेत्र में। जी जी। राजनीति का नाम अमेठी आज खेल दिया जाता है। तो फिर सिक्स से लेकर के एट्थ तक जो पढ़ाई हुई, एक जूनियर हाई स्कूल है यहाँ परसरामपुर, परसोइया जिसको कहते हैं, वहाँ हुई। और नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक वो केपी कॉलेज प्रतापगढ़ से। अच्छा, केपी कॉलेज में? जी जी। तो कैसा रहा, मतलब केपी कॉलेज, तो उस समय संसाधन आने जाने की बहुत, ट्रेन की सुविधा थी आपको? ट्रेन अमेठी, हम लोग अंतु रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से जाते थे, एक आरपी चलती थी ट्रेन, सुबह यहाँ से जाना और शाम को काशी विश्वनाथ से वापस आना, तो एमएसटी बन जाती थी विद्यार्थियों की, उससे 3 महीने के लिए टिकट का सारा उसी एमएसटी के आधार पर आना जाना हो जाता था। अच्छा, आप जब नाइन्थ और ट्वेल्थ की बात करें, कि आप नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के भी पढ़े जी, तो आप फिर एक जिले से दूसरे जिले आना, कई लोगों से मिलना, अपने साथियों से क्या कभी बातचीत होती थी कि इस तरीके से राजनीति में आएंगे, एजुकेशन, एक लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे, बच्चों को स्पोर्ट में बढ़ाने का, कभी उस समय विचार में आता था कि राजनीति? विचार में क्या, एक जैसे संस्कार हो मन में, चूंकि आपसे बताएं कि विद्यार्थी जीवन में भी तमाम जो हमारे ऐसे भाई रहते थे जिनको पुस्तक की कमी है, किराए की दिक्कत है, तो उनका हमारा स्वभाव था, उस समय भी मैं सहयोग करता और एक लोगों की एक चर्चा रहती थी कि राघवेंद्र भैया जो है जिस ट्रेन में बैठेंगे, जिस डिब्बे में 50-60 लोग उसी डिब्बे में बैठेंगे, उसमें भीड़ हो जाएगी, क्योंकि सब लोग हमारे साथ रहना पसंद करते थे। तो ये मतलब एक अच्छा जुड़ाव रहा बचपन, अच्छा जुड़ाव रहा। हाँ, एक नेतृत्व करने की जो ईश्वर ने क्षमता दिया था वो प्रारंभिक जीवन से ही दिया था और साथ में सब लोग हमारे रह करके प्रसन्न रहते थे। अभी हम लास्ट टाइम में जब 11th और 12th में
प्रतापगढ़ में समुद्रपुर एक क्षेत्र है, वहां कमरा भी लिए, तो वहां ये स्थिति रहती थी, कभी कभी शाम को 25 से 30 लोग इकट्ठा हो जाते थे, जबकि बिस्तर भी नहीं उनको पूरा हो पाता था, मकान मालिक का बड़ा सहयोग रहता था। अच्छा, सहयोग रहता क्योंकि वो प्रतापगढ़ में संख्या बढ़ी मतलब लोग भयभीत हो जाते। हाँ, कैसे? लेकिन अब वो बच्चे सब आ जाते थे हमारे जो साथ के रहते थे, सुबह एनसीसी जाना है, उनका कहीं परेड बहुत लेट छूटा तो ट्रेन छूट गई, तो उनको ये रहता था भैया कमरे चलेंगे तो वहाँ भोजन रहने की व्यवस्था है, कोई हिचकिचाहट नहीं। एक तो बाबा आर्मी में थे, फिर आप एनसीसी आपके साथ बैठे थे। जी जी, फिर संघ में कैसे आपको लगा कि संघ में ही जाना चाहिए? पिताजी हमारे वो बाल स्वयं सेवक थे। अच्छा, मिर्जापुर में वो जो है स्वयं सेवक बने थे, और जौनपुर में कुंवरपुर एक गांव है, वहीं पे रह करके उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, शिक्षा हुई, तो उनके मामा जी भी जौनपुर में स्वयं सेवक थे, फिर वहां से चूंकि पिताजी स्वयं सेवक थे और बाबा जी हमारे आर्मी में तो थे, लेकिन वीर सावरकर जी का उनका जुड़ाव था, उनसे उनका मिलना जुलना होता था, उनकी परंपरा उनकी व्यवस्थाओं से वो बड़ा प्रभावित रहते थे, तो शुरू से ही इन सब सारी चीजों में। अच्छा, पिताजी के साथ कभी बचपन में शाखा जाना? हाँ हाँ, कई बार पिताजी पहले शाखा लगाते थे। अच्छा, गांव में, फिर वहीं से हम बाल स्वयं सेवक हैं। हाँ, तो पिताजी लगाते थे तो आपकी उम्र बड़ी छोटी रही होगी, तो पिताजी 6-7 वर्ष के थे हम जब पहली बार शाखा गए। अच्छा, पिताजी से पूछ सकते पिताजी क्या है कैसे? नहीं, ये सब तो भाव, हाँ भाव आता ही था, क्योंकि है क्या कि वहाँ खेल होते थे, पिताजी अध्यापक थे तो सुबह के समय शाखा लगवाते थे, शाम को भी साइंस शाखा लगवाते थे, और उसमें छोटे छोटे बच्चे आते थे और सब खेल होता था, बड़ा आनंद आता था। तो शुरुआती दौर में तो हम लोग जब जाए तो वहाँ पे उसी के खेल के माध्यम से भी खेलने जा रहे हैं। मैं भी संघ को बड़े करीब से कबर गया हूँ, जानता हूँ, तो पहले प्रार्थना होती है, फिर बातचीत होती है, फिर खेल बड़े अच्छे होते हैं और बहुत मजे आते हैं, और खेल में आपके इतिहास के बारे में बता देते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारी चीजें खेल में आ जाती हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। तो संघ में आपका कैसा रहा अनुभव और कितने साल आप संघ में कई पदों पर भी काम दायित्व के? हम क्लास सेकंड में थे, हमारी उम्र लगभग 7 वर्ष थी, तो मैं प्रार्थना प्रमुख था साइंस शाखा का, महाराणा प्रताप शाखा धौरहरा, तब मैं साइंस का प्रार्थना प्रमुख था, तब हमको पूरी प्रार्थना कंठस्थ, हम ही प्रार्थना कराते थे। और उसके बाद जब मैं 11th में गया तो 96 में, उस समय प्राथमिक शिक्षा वर्ग पूरे 3-4 जनपद का एक जगह लगता था, विभाग सा लगता था, तो हमारे यहाँ बालमुकुंज जिला प्रचारक थे, तहसील प्रचारक आनंद जी थे, उसी समय मैं प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया प्रतापगढ़ सगरा में, ना वो तो याद रहता ही है, तो सगरा में प्राथमिक वर्ष किया, फिर 98 में जो है संघ शिक्षा वर्ग हमने किया वहाँ गोरखपुर में, आज वर्तमान में जो क्षेत्र प्रचारक है माननीय अनिल जी, उस वर्ग के वो उस समय मुख्य शिक्षक थे और प्रयाग के विभाग प्रचारक थे, फिर वहां वर्क करने के बाद 2000 में हमने किया द्वितीय वर्ष यहाँ निवेदिता बनारस से काशी से, फिर 2001 में हमने किया तृतीय वर्ष, और 2001 में ही प्रचारक निकला। आप प्रचारक बनाएंगे? हाँ, 2001 में सबसे पहले आपकी दायित्व तो जिम्मेदारी, हम सबसे पहले तो यहीं पे खंड कारोबार है, इसी जगह जी जी मंडल कारोबार है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चूंकि जब मैं पढ़ रहा था। अच्छा, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? वहीं से हमारा बीकॉम हुआ। अच्छा, तो जब पढ़ाई पीरियड में मैं वहाँ का साइन कारोबार रहा। बहुत कम लोग थे उस समय बीकॉम करने वाले, क्योंकि उस समय बीए लोग करते थे, बीएससी बीकॉम में बड़े कम ही लोग। जी जी, तो कैसे दोनों देख पाते थे आप? हमारा 9th, 10th, 11th, 12th से ही कॉमर्स रहा। अच्छा, ये अच्छा रहा, मतलब पिताजी का ये जो रहा गाइडेंस रहा उसका एक प्रभाव रहा। तो अब विश्वविद्यालय एक पूर्वांचल का तो हब कहते हैं राजनीति का, तो क्या वहां से राजनीति के अंदर एक द्वंद या एक अंदर चर्चा समुद्र जैसे मंथन अंदर आए कि अब संघ के बाद राजनीति में भी आना चाहिए? असल में समाज सेवा एक भाव शुरू से ही था हमारा,
और वो जब विद्यार्थी जीवन था तो विद्यार्थियों के बीच में रह के समाज सेवा करते थे, और जब संघ मिल गया, संघ के संपर्क में आ गए, तो वास्तव में जो दिमाग का वास्तविक विकास होता है, वो विकास करना भी है बच्चे को, और पूरे देश और विश्व की जानकारी उसको मिले कि समाज है क्या। एक नजरिया बदल दिया हाँ, सामने आपका। उसको स्वयं सेवक बनना चाहिए, और जब स्वयं सेवक बन गए तो वहां तमाम प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहते थे जिनके माध्यम से हम लोग सेवा कार्य करते थे, जैसे निःशुल्क पढ़ाना, शाम को ऐसी बस्तियों में जाकर के जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं तो वहां जाकर के उनको निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था हम लोग करते थे, उनको निःशुल्क पेंसिल और कापी किताब की व्यवस्था करके उनको देते थे। ये सब सारी चीजें उसी समय जी, शिक्षा का माहौल जो रहा वर्तमान समय में हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस प्रांगण में, उसी का एक भाव रहा कि आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हाँ, एक मन में पहले से ही था कि कुछ ऐसा काम करना है जो समाज से जुड़ा हो, कुछ ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं उनको ला करके पढ़ाया लिखाया जा सकता है। थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ आपको। संघ में कितने वर्षों तक आप दायित्व पे रहे हैं और किन किन जनपदों में जाना हुआ, उस समय की कुछ यादें आप। अब मैं एक वर्ष तक गाजीपुर रहा, वहां तहसील कुशियारा रहा, जंगीपुर हमारा केंद्र था, और 2 वर्ष तक मैं काशी महानगर में उत्तर भाग है और वहां पे भाग प्रचारक रहा, और उसकी चर्चा आज भी है कि शिवनगर में सबसे ज्यादा साइंस शाखा उसी समय थी जब राघवेंद्र जी यहाँ भाग प्रचारक थे, लोग चर्चा भी करते, अच्छा भी लगता है। और 2 वर्ष मैं काशी जिले में जिला प्रचारक रहा, तो जब मैं काशी जिले में जिला प्रचारक था तो पूरे देश के जितने जिला प्रचारक हैं उनका मेरठ में एक वर्ग लगा था, उसमें माननीय सरसंघचालक कुप्पाल जी सीतारमैया सुदर्शन जी थे, उन्होंने बुला करके और हमसे कहा भी कि राघवेंद्र जी आपके जनपद में आज पूरे देश में सबसे अच्छा काम है, इसका उदाहरण आप हैं, इसको कैसे इतना काम आपने आगे बढ़ाया, इस पद्धति को आप सब बताइए, क्योंकि आज पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के, संपूर्ण देश के लगभग जिला प्रचारक यहाँ उपस्थित है, तो ये भी एक अवसर मिला था हमारे लिए, सौभाग्य का अवसर था। और फिर 2 वर्ष में मिर्जापुर जिले का जिला प्रचारक रहा, एक तो माँ कालिका जी का आशीर्वाद रहा और यहाँ के सारे इस मिट्टी का जो वरदान था कि मैं जिन जिन जिलों में जिला प्रचारक रहा आज दिन तक भी सारे कार्यकर्ता हमको उसी सम्मान से देखते हैं और अपेक्षा करते हैं। जब आपका संघ में इतना कुछ अच्छा चल रहा था, फिर राजनीति में कैसे आना हुआ, क्या लगा कि तो राजनीति में भी चल रहा? राजनीति में क्या, फिर घर की ऐसी परिस्थिति बनी कि हमको वापस आना पड़ा प्रचारक जीवन से, पारिवारिक, क्योंकि प्रचारक जो है वो जो होते हैं वो अविवाहित अवैतनिक और घर से दूर रह करके काम करने वाले होते हैं, जब हाँ जब घर आना पड़ा तो स्वाभाविक है कि जब शादी हो गई तो यहाँ पर काम करने की स्थिति बनी, तो उस समय की ऐसी परिस्थिति थी, तो भारतीय जनता पार्टी में जो काशी क्षेत्र है उसका हमको प्रभारी बनाया गया, हरीश द्विवेदी जी प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं काशी क्षेत्र का प्रभारी था, पहली जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में यही। किस संघ की बात है? ये है 2012 की बात है बारा जी। फिर उसके बाद मैं कोऑपरेटिव सेल में सहकारिता प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय कार्य समिति का मेंबर रहा और उत्तराखंड का प्रभारी रहा, धनंजय कुमार सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके, बनारस के, और फिर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे केशव प्रसाद मौर्य जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हुए, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हुए और वर्तमान में स्वतंत्र देव जी हैं, तो इन 3 प्रदेश अध्यक्षों जी के साथ में। इसी पे मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने उत्तराखंड की बात की, आपने बहुत सारे जिले घूमे जी, और कई प्रदेश आना जाना होता रहता आपका, तो आपको कभी नहीं लगता कि जिस मिट्टी से आप निकले हैं, मिट्टी का जिसका नाम है बीबीआई मिट्टी, आपको लगता है वो अपने बीबीआई नाम पे खरी उतर पाई, जो यहाँ से चुन के जाते थे प्रधानमंत्री या एक वर्चस्व वाली पार्टी के जिनका देश में एक सरकार लंबे समय तक, इसलिए आपको क्या कहना है कि मिट्टी को कितना न्याय मिल पाया, क्योंकि बहुत आरोप लगे कि स्टेशन के अलावा मीटिंग 9 बजे, इसके बारे में क्या कहते हैं? अब भी वीआईपी की जहां तक बात है, आप उसी से ही कल्पना कर सकते हैं कि
कि मैं अमेठी जनपद का रहने वाला और 11th 12th 9th से लेकर के पढ़ाई करने जाना पड़ा प्रतापगढ़। तो अगर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहती तो प्रतापगढ़ जाने की क्या जरूरत थी। तो अमेठी तो सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है। अब ये तो स्मृति ईरानी जी जब से जीत करके आई बड़ा प्रयास उन्होंने किया है यहाँ के सारे कामों के लिए। अभी केंद्रीय विद्यालय उन्होंने, आप सोच लीजिए कि यहाँ के बच्चों की और यहाँ की वास्तविक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, लोगों का आने वाली संस्कृति बदल सके, इसलिए किराए की बिल्डिंग पे उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की नींव डाल करके और प्रारंभ करवाया। तो उनकी जो सोच है उसको सलाम करना चाहिए, जो बीते हुए इतने सांसद यहाँ से जीत के गए, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे संजय गांधी जी रहे हों, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे, सोनिया गांधी रही, ये इतना लंबा कार्यकाल था और चाहते तो यहाँ विश्वविद्यालय खुल सकता था। यहाँ का बच्चा बाहर जाने की क्या आवश्यकता थी, बाहर से जो 4-5 जनपद इससे सराउंडिंग जुड़े हुए हैं, आप ये मान करके चलिए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और इधर रायबरेली, ये जो इसका एक पूरा केंद्र बिंदु है। स्वास्थ्य का भी अगर बड़ा संस्थान यहाँ पर बनता है तब भी ये 4-5 जनपद इससे जुड़ सकते हैं। शिक्षा का अगर बड़ा सेंटर बनता है तब भी ये 4-5 जनपद इससे जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो जब ये सब सारी चीजों को लोग जानते थे और इसका विकास नहीं किए, उनको ये लगता था कि विकास ना करना ही विकास है, और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि उनकी करारी हार हुई। अब दोबारा उनको वापस भी नहीं आना है यहाँ पे, और स्मृति ईरानी जी ने बहुत ही अच्छा काम करके और यहाँ के एक एक मतदाता, एक एक जन के कोई भी छोटी सी छोटी समस्या होती है, तत्काल उनसे व्यक्ति अपनी रूबरू होकर के और अपनी बात कह देता है और उस समस्या का निदान वहां पर बैठ करके वो कर देती है। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो अभी तक नहीं हो पाया वो हो जाएगा, हो रहा है। अगर बात की जाए कि आप इतने आपको दायित्व मिला, आप काशी से लेकर उत्तराखंड तक प्रभारी, तो आप गौरीगंज विधानसभा में काफी सक्रिय रहे, 2017 में आपका नाम चल रहा था, उसमें क्या था कि आप चुनाव लड़ नहीं पाए या आप लड़ना नहीं चाहते थे? और अभी भी लोग उम्मीद है, अभी मेरी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई तो वो कह रहे थे कि राघवेंद्र सरकार जी यहाँ सक्रिय हैं, उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो कैसा लगता, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या योजना चल रही है आपकी? अब जहां तक विधानसभा गौरीगंज से चुनाव लड़ने की बात है, वहां पिछली बार भी अगर टिकट मिला होता तो मैं 25 से 50 हजार वोट से जीत करके पार्टी को एक विधायक के रूप में उस सीट को देता। ऐसा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया था वहां पर, आप गए होंगे तो आपको जानकारी वहां हुई भी होगी। आज भी 100 से 50 कार्यकर्ता प्रतिदिन यहां आते हैं, जिनकी जो समस्याएं होती हैं मैं उसका निस्तारण करता भी, चाहे जिलाधिकारी से कोई बात करना हो, एसपी महोदय से बात करना हो, किसी से भी किसी स्तर पे। तो इस नाते से और हमारा जो राजनैतिक भाव है वो सेवा का ही माध्यम है कि सेवा करना, समाज की सेवा करने के ही लिए राजनीति में हमने कदम रखा, और वो एक ही माध्यम है, कोई ऐसा नहीं कि धन इकट्ठा करने के लिए, वैभव इकट्ठा करने के लिए, प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, ऐसा नहीं। अच्छा, आपने सेवा की बात की, उसी सेवा में जोड़ता हूँ, आपके पैतृक गांव से कुछ ही दूर पे केपीएस मेमोरियल स्कूल है, इसके बारे में बताएं, इसकी नींव कब पड़ी और क्या विचार आया, कैसी चर्चा रही, और आज यहाँ से कई बच्चे कबड्डी से लेकर निशानेबाजी में आ गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब केपीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल की 2012 में हमने नींव डाली और होम पूजन हुआ, विद्यालय प्रारंभ हो गया, आज CBSE बोर्ड की मान्यता उसको प्राप्त हो गई। उसके पीछे भी भाव यही था कि हमारे जनपद के बच्चे दूसरे जनपद में पढ़ने जाएं ना जाएं, जैसे आप जाते थे, ये जाएं, ये हमको अच्छा नहीं लगता था ना जाएं, तो इसके लिए हम शुरुआत करें, हमारी जितनी क्षमता है उसके आधार पर शुरुआत करें, कम से कम आने वाली पीढ़ी तो यहाँ रुके। इस नाते से हमने KPS, चूंकि KP सिंह हमारे बाबा जी थे, वो आर्मी में थे, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी थे, तो उन्हीं के नाम से हमने इस विद्यालय की शुरुआत की, और आज यहाँ पे 600 बच्चे हैं
इस विद्यालय में, और उन 600 बच्चों में 150 बच्चों की फीस नहीं लगती, तो बहुत अच्छी बात है। और 100 किस परिवार से, मतलब या कैसे, सामान्य परिवार के बच्चे क्यों फीस नहीं देते, मतलब क्या उनकी स्थिति, उनकी स्थिति ऐसी है अच्छा। वो फीस नहीं दे सकते। अच्छा बात है, शिक्षा तो बांटने से बढ़ती है, तो आप और बधाई की बात है। 78-90 बच्चे ऐसे हैं जिनको पुस्तक की भी व्यवस्था हम ही करते, और लगभग 125 बच्चे हैं जिनके आने जाने का किराया नहीं लगता है। तो इसका भी आशय यही है कि कम से कम इसके माध्यम से जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे, एक उद्देश्य है इसका। उनके परिवार से कभी मिलना होगा, किस तरीके से फीडबैक आता है? हम जाते भी हैं ऐसे परिवारों में, हम जाते हैं, बच्चे भी बड़ा प्रेम हमसे भी करते हैं, स्नेह करते हैं, अच्छा भी लगता है। और बच्चों को ये नहीं लगता कि अब प्रबंधक जी आए हैं तो इनसे बहुत दूरी बना करके रखना, वो अपने आप आकर के अपनी सारी बातें बताएंगे, हमसे बताएंगे कि सर ऐसी बात है कि हमारे पास एक पुस्तक नहीं है, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, तो हम तुरंत उसकी व्यवस्था कराते हैं। तो ये भाव रहता है कि अपने मन की बात हो सकता है कि अपने घर में लोगों से न कह सके, एक अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक प्रबंधक टीचर से एक फ्रेंडली टीचर, जिससे बच्चे डिप्रेशन में न जाए, अपनी समस्या बता सके। बहुत अच्छा आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, और करना भी चाहिए, और उसी की देन है। आप तो यहाँ जानते भी हैं और देखे भी हैं, कई इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले इसी स्कूल से। कैसे भाव आया कि यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट में आगे बढ़ाना चाहिए? आपके यहाँ से एक दो बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। अभी युवराज सिंह की बात की जाए, उन्होंने नेशनल, फिर कुछ बच्चे आपके यहाँ से बैठेंगे, उनके बारे में बताएं, उनके परिवार से, या अब नए एडमिशन में होते हैं उनके तरफ से फीडबैक कैसा मिलता है जब स्पोर्ट में इतने अच्छे चले? और एक ऐसा विद्यालय जहाँ राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल भी आ चुके हैं, तो कैसा लगता है, और स्पोर्ट के बारे में थोड़ा बताएं उन बच्चों के बारे में। अब आप तो जानते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का ही सबसे बड़ा विषय है कि स्किल डेवलपमेंट, जिस बच्चे के अंदर जो चीज है उसको कैसे विकसित किया जाए, तो जिन बच्चों को लगता है कि खेल की दुनिया में आगे जा सकते हैं, वो अपने आप आकर के बताते हैं कि सर जो है हम अगर हैं या प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, तो उनसे जाकर के वो मिल करके अपनी सारी बात बच्चे करते हैं। जो गेम टीचर है उनसे मिलकर के बताते हैं, सर हम वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है हमारा, हमारा कबड्डी में है, हमारा खो खो में है, हम लॉन्ग जंप में है, शॉट पुट में है। और आप देखे होंगे छोटा से विद्यालय है, लेकिन अभी यहाँ के बच्चे नेपाल खेलने गए थे, नेपाल जाकर के नेपाल को हराए और वहीं से श्रीलंका को पराजित किए, 4-5 देशों को पराजित करके गोल्ड मेडल लाए। इनका भी जो अच्छा लगता है हमको भी, और उसके लिए जो भी हमको करना पड़ता है व्यवस्था है वो हम करते हैं कि ये सब आगे बढ़े और कौशल विकास या अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जिन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाकर के अपना विकास करें। जो असुविधाएं इसके पहले रही हैं, कम से कम आने वाली पीढ़ी को वो असुविधा का सामना न करना पड़े। कहीं मुझे नहीं लग रहा है बचपन का मजाक है कि जो आप नहीं कर पाए आपके क्षेत्र में बच्चे कर पाए, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्पोर्ट की बात हो, कहीं वो चल नहीं रहा कि जो मुझे लगा मैं नहीं कर पाया बच्चों को? नहीं, ये मन में तो रहता ही है कि जो कम से कम जिन क्षेत्रों में हम लोग नहीं निकल पाए, तो आने वाली पीढ़ी उन क्षेत्रों में काम करे, आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके और समाज, देश का, राष्ट्र का नाम रोशन करे। ये तो वो भी शिक्षा की बात, आपकी समाज सेवा की सेवा भारती, आपने बात की थी गौरीगंज को, मैं गौरीगंज फिर ले चलता हूँ। तो क्या लगता है उम्मीद आपको 2022 में? 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की अगर टिकट देगी पार्टी, क्योंकि हम लोग देखिए संगठन के आदमी, संगठन जो निर्देश करेगा उसी को ही पालन करना है, तो आप लड़ेंगे? लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि गौरीगंज में अभी तक नहीं हो पाया जो आपको आप करना चाहते हैं? अभी भी गौरीगंज में अराजकता का माहौल है, वहां हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हम सबसे पहले विधायक बनने के बाद यही एक काम करेंगे कि लोगों के अंदर जो भय उत्पन्न है, आज भी गौरीगंज में 9 बजे के बाद कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, तो उसको सबसे पहला काम करेंगे कि हर व्यक्ति को यह लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बात सुनने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है
अगर ऐसी स्थिति हमारे पास पैदा होगी तो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और हमको न्याय दिलाएगा। आज भी वहां न्याय जो है वो दाब दिया जाता है, आप जानते हैं केंद्रित राजनीति है वहां, एक ही व्यक्ति के परिवार के इर्द गिर्द पूरी राजनीति संपूर्ण विधानसभा की। पहला काम है वो, दूसरा काम है क्या करना? दूसरा हम शिक्षा क्षेत्र में भी वहां चाहते हैं कि ऐसे जो अभावग्रस्त क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं जो बाहर जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, उनके पास संसाधन नहीं है, तो ऐसे लोगों की शिक्षा की व्यवस्था वहां सरकार से कह करके अभी हम प्रयास में है, विधायक नहीं है तब भी, और विधायक हो जाएंगे तो हमको एक हक भी रहेगा कि लड़ाई लड़ करके हम लाएंगे वहां संस्थान खुलवाएंगे और एक बड़ा शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं बीबीएपी कमेटी पूरे विश्व में नाम जाता है, आपकी नजर में ये कमेटी कैसी होनी चाहिए? अमेठी एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों का उदाहरण अमेठी बने, जैसे आज बीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है कि कैंडिडेट के नाते बीवीआईपी रहा, प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ करके जाते थे, तो जब इसकी कोई कल्पना करता है, हम लोग बाहर जाते हैं अन्य प्रदेशों में जाते हैं, तो लोग ये कल्पना उनके मन में पहले से ही रहता है कि अमेठी में विश्वविद्यालय होगा, अमेठी में कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का जो है वो ग्राउंड होगा, वहां स्टेडियम होगा, वहां सारी सुख सुविधा से लैस अमेठी होगी। उनके मन में नहीं आता कि वहां तो अभी सुरक्षा नहीं है, वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, वहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। ये तो बिल्कुल जब हम लोग बताते हैं, जब वो चर्चा करते हैं, तब वो जान पाते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं। बाकी लोगों को तो लगता है कि अमेठी में सब कुछ है, वहां सब साधन संपन्न है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो एक ऐसी कमेटी का चाहते हैं कि ऐसी कमेटी बनी। चलते चलते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर का बनने कैसा लग रहा है कि राम मंदिर का एक लंबा राज संघ परिवार से लेके हिंदू परिषद भाजपा हमेशा अपने घोषणा पत्रों में, अपने भाषण में, अपने हर कार्यक्रम में कह रहा था, तो आपका ऐसा लग रहा है आपको उसे लेना शुरू हो गया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो मैं सूर्य वंश से हैं भी, स्वयं भी हैं, और गौरवशाली इतिहास भी रहा, फिर राम सबके हैं और राम सब में हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वास्तव में है कि अंतिम यात्रा पर जब व्यक्ति जाता है तब भी राम राम बोला जाता है, कि हमारा जो जीवन अभी तक रहा है वो संपूर्ण जीवन इसकी अंतिम यात्रा में इसको भगवान अपने शरण में लेकर के और अच्छे सतमार्ग में फिर इसको प्रस्तुत करें, फिर पुनः इसको मनुष्य जीवन में ला करके और जन्म दें। आप प्रधानमंत्री जी ने तमाम देशों का उदाहरण भी दिया कि कहां कहां भगवान श्री राम की रामायण लीला होती है, रामायण कहां कहां प्रमुख ग्रंथ के नाते लोग वहां अध्ययन करते हैं, और भारत के लिए तो राम ही राष्ट्र है, और राम के बिना जो है यहां सब कुछ अधूरा है, कण कण में राम है। और आप सोचिए कि 108 माला अगर भगवान श्री राम का कोई जपता है तो उसके अंदर अपने आप ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि असंभव काम को भी वो संभव बना देता है। महात्मा गांधी जी स्वयं भगवान श्री राम का के नाम को जप करके और भारत माता को स्वतंत्र कराने का काम किया है। भगवान श्री राम के शब्द में इतना बड़ा गुण है, इतनी ताकत है, तो उनका मंदिर बनना, उनका घर बनना, ये हम लोगों के लिए तो अभी तक ये मान करके चलिए कि वो अक्रांता थे जिन्होंने उनके रहन सहन का मंदिर को ध्वस्त किया था। अब समय ऐसा नहीं है, तो जब समय ऐसा नहीं है तो मंदिर पहले ही बन जाना था, तो ऐसी स्थिति आई है तो बहुत ही समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को बधाई के पात्र हैं जो न्यायाधीश थे, जो इन्होंने निर्णय दिया, और बहुत तमाम बहस होने के बाद निर्णय भी हुआ और पूरा विश्व आज इसका स्वागत भी कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर के बाद अयोध्या की सूरत बदलेगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बनने के बाद बहुत लोग आएंगे, पर्यटन स्थल और बड़ा होगा वहाँ, लोग स्थानीय लोगों को बनेगा, एयरपोर्ट से लेकर बहुत चीजें वहाँ बनने वाली हैं। चलते चलते आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, अपने विधानसभा, अपने अमेठी वालों को, आप
क्या देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? हम एक तो अभी जो महामारी है, इस महामारी से बचने के लिए व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बना करके, मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और समय समय पे अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। बहुत ही आवश्यक हो तभी समाज क्षेत्र में गतिविधि को अपने डेवलप करें, नहीं तो अपने जो भी संसाधन है उसमें अपनी व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास करें। जिनको जहां भी कोई आवश्यकता होती है, हमारा नंबर है, उस नंबर पे फोन करें, हम उनकी सारी व्यवस्थाओं को वहीं पे उपलब्ध कराने का प्रयास करें। एक हमारे साथ रावण सरकार, इन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया। सबसे अच्छी बात है इन्होंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें आसपास के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके, साथ में खेल जगत में अपना नाम कमाए। ऐसे और भी शख्सियत से फिर रूबरू करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।